इसकी स्थापना 1708 में हुई है और तब से यह अविरत यह परंपरा शुरू है। ये वर्ष 315वां वर्ष है। नमस्ते, हम अवनी आर्या और आप देख रहे हैं नागपुर टुडे। जैसे कि आप सबको पता है, गणेश चतुर्थी चल रही है, उसी की आरती के लिए हम लोग इस वक्त सीनियर भोसला पैलेस में हैं, जहाँ पे 1708 से गणपति बापा को वेलकम किया जा रहा है। इस साल 315 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं उस प्रथा को। आइए आरती का मजा लिया जाए। सर, 315 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं गणपति को सीनियर भोसला पैलेस में लाते हुए आपको, तो आप उस ट्रेडिशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इसकी स्थापना 1708 में हुई है और तब से यह अविरत यह परंपरा शुरू है। ये वर्ष 315वां वर्ष है और इसकी विशेषता है कि रिद्धि सिद्धि के साथ इनकी स्थापना होती है। और आप देख रहे होंगे कि जो हमारी भोसलेकालीन जो पगड़ी होती है, वो पगड़ी हम गणेश जी को धारण करवाते हैं और ये 7 दिन हमारे दशमी का विसर्जन होता है, तो ये 7 दिन हम पगड़ी धारण नहीं करते, वो गणेश जी को धारण होती है। और ये परम्परा विरत 315 सालों से ये चल रही है। इसकी विशेषता भी ये है कि इनका आकार और ये सब एक ही रहता है, क्योंकि पालखी में लाया जाता है और पालखी में विसर्जित होता है। और ये विशेषण है, आज 315 साल पूर्व ये कल्पना है कि इको फ्रेंडली जो आज हम बोलते हैं, तो ये प्योर मिट्टी के होते हैं और इन्हें थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए तून का कपड़ा है वो हल्का लपेटा जाता है और इसमें कोई तरह का घास यूज़ नहीं होता, कोई लकड़ा यूज़ नहीं होता है। तो और ये जो हमारा पीड़ा है ये विसर्जित नहीं होता है, हम गणेश जी को विसर्जित करके आता है, क्योंकि वही साइज़ का हमको वापस बनाना पड़ता है। तो उस ज़माने से 315 साल से इको फ्रेंडली ये जो विशेषता है ये कायम है। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन में।